हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उदेश गुप्ता फ्रॉम साथी ग्रुप्स द परफेक्ट होम फाइंडर। दोस्तों, आज नई एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ यूनिक इवाना नाम से, जो कनेक्टेड है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से। 1 and 2 BHK के फ्लैट के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसे डेवलप करें USD डेवलपर्स। दोस्तों, जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आप कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट देखते हैं। इवन जो आपकी लॉबी होती है, बहुत ही स्पेशियस एंड बहुत ही प्रीमियम लॉबी आपको देखने को मिलती है। 2 लिफ्ट आपको देखने को मिलेगी और एक स्टेयरकेस आपको आपके बिल्डिंग में देखने को मिलेगी। बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया है और बहुत ही स्वीटली डिज़ाइन किया है। इसमें आप जो मार्बल वर्क देखेंगे, USD का मार्बल वर्क आपको बड़ा पसंद आएगा। इवन डिज़ाइनर मार्बल वर्क वो बिल्डिंग में कराते हैं एंड एनवायरमेंट बड़ा अच्छा लगता है जब आप एंटर करते हैं अपनी बिल्डिंग में। फिर उसके बाद जब आप अपने फ्लैट के सामने खड़े होते हैं, आपको ब्रास फिटिंग की ब्रांडेड क्वालिटी की डोर देखने को मिलती है एंड एंट्रेंस पे आपको लिविंग रूम देखने को मिलेगा। लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में इसे बांटा गया है। जब आप इसे कुछ इस तरह से देखते हैं तो आपको सामने की तरफ फुल साइज़ में विंडो देखने को मिलेगी एंड साथ में आपको एक बालकनी का भी सेक्शन है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले सेक्शन के बारे में, डाइनिंग एरिया के बारे में। डाइनिंग एरिया की जब बात करते हैं दोस्तों, तो डाइनिंग एरिया में आप 4 से 6 सीटर तक का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ प्रेफरेंस। यहाँ पर 4 सीटर के हिसाब से डाइनिंग टेबल लगाया गया है, जो कि इस घर के हिसाब से काफ़ी सूटेबल भी है। फिर उसके बाद आपका पैसेज एरिया आ जाता है। यहाँ पर आपका टीवी यूनिट के लिए एक जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एक टीवी यूनिट सेट कर सकते हैं एंड उसके ठीक सामने की तरफ यहाँ पर आप एक सोफ़ा लगा सकते हैं। एल शेप में सोफ़ा प्रेफर कर सकते हैं इस घर के हिसाब से। एंड फिर उसके आगे आपको एक 3 फीट तक की, या फिर कह सकते हैं 2.5 फीट तक की बालकनी देखने को मिलती है। स्पेशियस रूम है। अगर 2 से 4 लोगों के हिसाब से या फिर 5 लोगों के हिसाब से फैमिली है तो उनके लिए ये आइडियल रूम हो सकता है एंड कपल्स के लिए तो ये परफेक्ट रूम होगा। एंड फिर उसके आगे आप जब देखते हैं बाथरूम का सेक्शन, तो बाथरूम के सेक्शन में आपको 3 सेक्शन में आपका बाथरूम एंड टॉयलेट बांटा गया है। पहले एक वॉश बेसिन सेक्शन आ जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद 4 सेक्शन एंड लास्ट में आपका कमोड सेक्शन। सो कुछ इस तरह से इसे बांटा गया है एंड टाइलिंग वर्क आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, ब्रांडेड क्वालिटी का। पूरे फ्लैट में आपको कजारिया की टाइल्स देखने को मिलती है वेट्रीफाइड फ्लोरिंग के साथ में। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर गोइंग टू गेट इन योर फ्लैट। एंड फिर उसके बाद किचन की बात करें तो किचन भी बहुत ही स्पेशियस है। 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, एक स्टेनलेस स्टील सिंक एंड फिर उसके बाद यूटिलिटी स्पेस जिसमें आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। फ्रिज के लिए आपको जगह मिल जाती है एंड आपको बेसिक काम करके मिल जाता है किचन का। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। USD डेवलपर्स के ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। एंड आपके मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं आपको एक क्वीन साइज़ बेड के लिए जगह मिल जाती है। इवन किंग साइज़ बेड आप लगा सकते हैं। बाथरूम एंड टॉयलेट आपको इसके अंदर भी मिल जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर बेडरूम। यहाँ पर भी 3 सेक्शन में आपके बाथरूम एंड टॉयलेट को बांटा गया है। आपको फ्लोरिंग, फिटिंग, फिक्स्चर्स सब ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं, इवन सैनिटरी वेयर्स भी। एंड यहाँ पर आपको एक कबर्ड स्पेस देखने को मिलेगी आपके मास्टर बेडरूम में। बहुत अच्छी डेप्थ के साथ में वो कबर्ड स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक बालकनी का सेक्शन भी देखने को मिलता है, विच इज़ क्वाइट बिगर देन योर लिविंग रूम। इट इज़ अप्रॉक्स 3.5 feet to 4 feet ऑफ बालकनी। सो दैट इज़ बेनिफिशियल पार्ट कि आप अपने बेडरूम का जो बालकनी एंजॉय कर सकते हैं सिटिंग के साथ में। एंड दिस वॉज योर 1 BHK फ्लैट ऑफ यूनिक इवाना। दिस इज़ mostly sold on the basis of location because it is located near Western Express Highway and upcoming metro station. एंड बात करें इसके कमर्शियल्स की, इसके प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉन्फ़िगरेशन 390 square feet के फ्लैट इसमें अवेलेबल हैं एंड अप्रॉक्स इसका जो प्राइस जाता है 6499 lakhs के आसपास जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्टेड। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप फिर भी अगर कुछ जानना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस video. If you have any questions, doubts, do let me know. Thank you so much for watching this video.